ये बिल्कुल साइंस बेस्ड डिसीशन हुए हैं। पहले 4 to 6 वीक्स का जो फैसला था वो उस समय जो डेटा उपलब्ध था, जो गाइडेंस थी कोविशील्ड के डेटा के बेस के रेगुलेटर्स की, उसके अनुसार वो फैसला हुआ। फिर ये देखा गया है कि शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसकी पहले बात मैंने करी, 4 to 6 वीक्स। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल दो अनप्लान्ड जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं, मेन से हटके ऐसे भी देख लें ऐसे भी देख लें, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। उस समय जो एंटैगी का सिस्टम है, मैं उन एंटैगी के बारे में ये कहना चाहूँगा, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये आज नहीं बनी, कोविड से पहले की है। ये बच्चों की इम्यूनाइजेशन के लिए काम करती है, उसको साइंटिफिक डेटा देखती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट दिस इंस्टीट्यूशन, उनके इंडिपेंडेंट फैसले हैं। तो उन्होंने जब उसको देखा, हालांकि उस टाइम पे यूके ने 12 हफ्ते कर दिया, WHO ने भी कहा कि 12 हफ्ते करिए, बहुत सारे देशों ने ऐसा नहीं किया, ये भी याद रहे। और यूके ने तो फाइजर की डोज जो है, फाइजर ने ही खुद कहा कि 3 महीने पे नहीं देनी है, उन्होंने उसको भी 3 महीने पे कर दिया। ये देश का फैसला है, उनकी साइंस कम्युनिटी ने कहा होगा भी रिस्पेक्टेड, लेकिन हमारी साइंस की जो टेक्निकल कमेटी थी जिसको ICMR एंकर करते हैं DBT के साथ, उनका फैसला था कि ऐसे करने से जो डेटा अवेलेबल है उसको ध्यान से जब ये देखते हैं, बाहर का भी अंदर का भी अपना भी, तो ऐसा लगता था कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। वी कैनॉट अफोर्ड, साइंटिस्ट वी कैनॉट अफोर्ड कि रिस्क बढ़ाया जाए। सोचते हैं कि प्रोटेक्ट किया है कैसे, प्रोटेक्शन का इज द पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन, तो इन देयर गुड फेथ बेस्ड ऑन देयर साइंटिफिक केपेबिलिटी विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी बडी व्हाटसोएवर। एंटैगी नेगवैक ने सिर्फ एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमने उनको कहा कि बताइए, उन्होंने बताया, हमारा कोई उसमें कोई राय नहीं है। उनको लगा कि ये सेफ है कि हम 4 to 6 वीक से 6 to 8 वीक तक जाएं, और सर ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, ये जरूरी है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्यों आओगे। अब ये जो बात है ये बार बार रिव्यू पीरियोडिकली होती रही है, सिर्फ 2 ही बारी नहीं होती, इसके बीच में भी हुई, पूछा गया बताइए, लगा कि छोड़ दीजिए ऐसे ही करना है। अब यह हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। पहले तो स्टडीज के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती थी, नाउ बिकॉज यूके हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज लार्ज नंबर मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स इज अवेलेबल। जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट है उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा। दिस इज अ डायनेमिक सिचुएशन, एंटेगी बार बार इस चीज को मिलकर करती है। तो जो अभी फैसला हुआ है वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया, और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है, ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई वो सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। सर यही है कुछ है? यस नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल एट ऑल। जो 2 डोसेज ओरिजिनल हैं वो हमें पहले से ही मालूम है कि वो इफेक्टिव हैं। ये सिंगल डोज के बाद भी एफिकेसी इतनी अच्छी है कि हम उसको पोस्टपोन 3 हफ्ते तक, इट डजंट इट्स ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बहुत सारे देशों में, मैंने जो कहा आपको, बाकी देशों में वो अपना जो है 4 to 6 या 6 to 8 वीक्स वाला ही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। हाँ Look, I have explained to you that can you please have faith in our scientific processes? Entaggy is a, individuals of high integrity. और एक व्यक्ति का व्यू नहीं होता है ये फैसले करने में, बैठ के कंसेंसस बनती है।
उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज भी आते हैं, तो इसको बैलेंस किया जाता है, डेटा देखा जाता है, इसमें फेथ होनी चाहिए प्लीज। नंबर 20, थैंक यू।